हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ऑनियन चटनी बनाने का तरीका दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही झटपट बनती है और जो कि बहुत टेस्टी होती है, जिसे इडली, डोसा या राइस के साथ खाया जाता है। कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा है। ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये लहसुन डालती हूँ और फ्लेम को भी मैंने स्लो कर दिया है और इसे हमें अच्छे से ज़रा भूनना है। और अब मैं इसमें ये जो प्याज है वो इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। हमें इतना ही भूनना है कि इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो, फिर प्याज हमारी पक जाए। तो अब ये प्याज अच्छे से नर्म भी हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और ये भून भी चुकी है अच्छे से। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और मिक्सी के पॉट में इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो प्याज जिसे हमने रोस्ट किया था उसे अब ठंडी होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसे ठंडी होने करने के लिए रख दिया है और अब हम दूसरे मसाले इसमें रोस्ट करेंगे। और मैं ये धनिया डाला है मैंने इसमें, अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें पहले से ही तेल प्याज का थोड़ा लगा हुआ था कढ़ाई में, इस वजह से मैंने तेल और नहीं डाला है। अब हम इसमें थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे धनिया के साथ। तो अब मैं इसमें ये मेथी डाल के भूनूंगी। तो अब मैं इसमें ये फ्लैक्स डाल रही हूँ। वैसे तो मैं इसमें साबुत लाल मिर्च डालती हूँ, लेकिन मुझे लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पाए, मैं जा नहीं पाई बाज़ार में, इस वजह से मेरे पास फ्लैक्स था तो वही डालती हूँ। देखिए ये मसाले सारे अच्छे से भून चुके हैं और मैं इसे अब ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। ये लहसुन और प्याज जिसे हमने भूना था वो अब ठंडा हो चुका है और मैंने मिक्सर के पॉट में उसे ले लिया है और अब इसमें मैं इमली का पल्प डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो अब ये प्याज और लहसुन
को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, और ये जो गरम मसाले मैंने भुने थे उसे भी इस तरह मोटा मोटा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसमें हमें चटनी को तड़का देना। तो अब हमने तेल को गरम किया है तड़का देने के लिए। तो अब सबसे पहले मैं इसमें ये राई डालूंगी। अब राई तड़तड़ने लगी है, और अब हम ये दाल डालेंगे उड़द की, और उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। और फ्लेम को तड़का देते वक्त हमेशा फ्लेम स्लो रखना चाहिए हमें। बेकिंग डाल रहे हैं इसमें, ये हल्दी है जो इसमें हम डाल रहे हैं। और अब मैं ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना है, वरना ये जल जाएगी लाल मिर्च की पाउडर। और अब हम इसमें प्याज डालते हैं जो हमने पेस्ट करके रखा है, प्याज और लहसुन वो अब हम डाल देते हैं। अब ये इसमें हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट से आप डालिए। और ये जो हमने गरम मसाला ग्राइंड किया था वो उसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा सा अब हम पानी भी डालेंगे। अब हम इसमें ये जो मिक्सी का पॉट हमने प्याज और लहसुन इमली का पल्प डाला था उसमें वो धो के उसमें का पानी हम इसमें डालेंगे, और इसे अब हम पकने देते हैं। इसी तरह हम इसे हिलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे, तब पानी सूखने तक हम पकने देते हैं इसे। तो अब ये चटनी रेडी हो गई है हमारी, मैं सर्व करूँगी। मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये चटनी कैसी लगी। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइंदा फिर मिलते हैं।